सिर्फ 7 दिन के बाद मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे शुरू होगा। मस्जिद के अंदर प्राचीन केशवदेव मंदिर के निशान तलाशने के लिए कोर्ट से नियुक्त अमीन अंदर जाएंगे। सर्वे में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो 20 जनवरी को ही पता चलेगा, लेकिन इसे लेकर सियासी कुरुक्षेत्र अभी से तैयार हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। ओवैसी दलील दे रहे हैं, फैक्ट रख रहे हैं, हर वो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनका नैरेटिव चल पड़े। मथुरा के इस मुद्दे के जरिए ओवैसी क्या फॉरवर्ड प्लानिंग में जुटे हुए हैं, इस रिपोर्ट में हमने इसी सवाल को डिकोड किया है। ये जो धर्म की लड़ाई है, धर्म युद्ध है, इसका प्रारंभ है। धर्म की ध्वजा लहराएगी, सनातन धर्म धर्मावलंबियों को न्याय मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट भूमि का विस्तार होगा और धर्म की ध्वजा इस संपूर्ण क्षेत्र में लहराएगी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मथुरा के कटरा केशव देव इलाके में धर्म की ध्वजा लहराएगी और इस कानूनी लड़ाई में श्री कृष्ण के भक्तों की जीत होगी। कृष्ण भक्तों में ये उम्मीद जागी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के बाद। सिर्फ 7 दिन बाद यानी अगले सोमवार को मथुरा के शाही ईदगाह परिसर में जिला कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू होगा। इसीलिए कड़ाके की ठंड के बावजूद मथुरा में गर्मी बढ़ी हुई है। पूरी दुनिया के कृष्ण भक्त इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। शाही ईदगाह मस्जिद के दरवाजे खुलेंगे और कोर्ट से नियुक्त अमीन उसके अंदर जाएंगे, मस्जिद की दीवारों वजू खानों को देखेंगे। हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष जो दावा कर रहे हैं, दोनों के दावों की सत्यता की जांच इस सर्वे में की जाएगी। मुसलमान पक्ष कहता है कि शाही ईदगाह है, हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की जमीन पर प्राचीन केशवदेव मंदिर था। मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि जमीन पर कोई विवाद नहीं, हिंदू पक्ष का दावा है कि जमीन उनकी है। मुस्लिम पक्ष जमीन को लेकर 1968 के समझौते का हवाला देता है तो हिंदू पक्ष इस समझौते को अवैध मानता है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मस्जिद में मंदिर की निशानियां नहीं है, हिंदू पक्ष का दावा कि मंदिर के सबूत अभी भी मस्जिद में मौजूद हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर ईदगाह परिसर से सैकड़ों मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई हैं। निर्माण कार्य के दौरान मथुरा म्यूजियम में सबकी गणना है, सबकी एंट्री है। 2002 के आसपास जो वजू का तालाब खोदा था शाही ईदगाह मस्जिद में, भव्य दिव्य शिव परिवार निकला था, वह भी मथुरा म्यूजियम के अंदर है। विषय ये नहीं है, विषय इतना भव्य दिव्य विशाल मंदिर को तोड़कर ईदगाह का निर्माण कराया गया, इसलिए इस परिसर के हर इंच पर कुछ ना कुछ मंदिर के चिन्ह अवश्य मिलेंगे। म्यूजियम में रखी इन मूर्तियों के आधार पर ही हिंदू पक्ष इस सर्वे को लेकर उत्साहित है। उसे उम्मीद है कि 1670 में औरंगजेब ने जिस प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था, उसके निशान अब भी शाही ईदगाह में मौजूद हैं। अगर जांच बढ़ेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि यह सर्वे ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे जैसा नहीं होगा, न इसकी टीम उतनी बड़ी होगी, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट से कोर्ट आगे की कार्रवाई की दिशा जरूर तय कर सकता है। कोर्ट ने अभी सिर्फ शाही ईदगाह के सर्वे का ऑर्डर जारी किया है। सर्वे अभी शुरू भी नहीं हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी का एंटी मुस्लिम वाला गाना शुरू हो गया। ओवैसी कोर्ट के सर्वे के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो ऑलरेडी प्रूवन है कि यहाँ पर ईदगाह है, वहाँ पर मंदिर है, और
1968 में अक्टूबर 12 1968 में शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्णा जन्मस्थान का एक एग्रीमेंट हुआ और शाही ईदगाह ट्रस्ट ये जो एग्रीमेंट श्री कृष्णा जन्मस्थान से किया उसका उनको अप्रूवल मिला उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड से। 19 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, पार्लियामेंट का कानून है, लॉ है 1991 का, जो ये कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो मुसलमान के हो, हिंदुओं के हो, ईसाइयों के हो, सिख के हो, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आखिरी बात यह है कि लीगल एक्सपर्ट्स ये उनका मानना यह है कि सिविल डिस्प्यूट में अगर कोई सर्वे होता है तो लास्ट रिसोर्ट होता है, आप पहला रिसोर्ट में सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के फैसले को गलत बताने की ओवैसी की दलील के दो प्रमुख आधार हैं। 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच हुआ समझौता और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं वो दलील मुस्लिम पक्ष पहले ही कोर्ट के सामने रख चुका है। हिंदू पक्ष कोर्ट के सामने 1968 के इस समझौते को अवैध करार देने की मांग भी कोर्ट से कर चुका है। इसी आधार पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष की दलील है कि 1968 में जिस श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने मुस्लिम पक्ष से समझौता किया था वो श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट से अलग था। जमीन का स्वामित्व और देखरेख का अधिकार श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के पास था। ट्रस्ट की ये शर्त थी कि बिरला परिवार आजीवन ट्रस्टी रहेगा। 1958 में बने श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के पास ट्रस्ट के अधिकार नहीं थे। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ में बिरला परिवार का कोई सदस्य भी नहीं था। इसके बावजूद श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने ट्रस्ट की जमीन को लेकर समझौता कर लिया। 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर जुगल किशोर बिरला ने ये जमीन खरीदी थी। 1951 में जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया और सारी 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को समर्पित कर दी। अब हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस ट्रस्ट ने समझौता किया इस जमीन पर उसका कोई अधिकार ही नहीं था। जब ये समझौता हुआ था वो परिस्थितियां बहुत अलग थी। मुझे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के नाम पर एक छोटा सा मंदिर था केशव देव जी का, इस संपूर्ण भूखंड पर लोगों का अतिक्रमण था, एक विचित्र सी स्थिति थी। मुस्लिम पक्ष मस्जिद की जमीन को वक्फ की जमीन बताता है लेकिन अभी भी इसका टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ही जमा करता है। मस्जिद के सचिव दावा करते हैं कि मस्जिद को लेकर कोई विवाद ही नहीं है। समझौता दोनों पक्षों की सहमति से हुआ था, विवाद तब भी नहीं था कुछ। पर ये था कि ईदगाह के शाही मस्जिद ईदगाह के जो परनाले हैं पंडाले हैं वो उनका पानी उस तरफ जाता था, तो ये तय था कि भाई इधर का पानी आप इधर ले लीजिए, कुछ आबादी के लेके साहब इधर के मकान कुछ इधर हो जाएंगे कुछ इधर हो जाए, तो वो दोनों आपसी सहमति से और वो रजिस्टर डॉक्यूमेंट था। ओवैसी की दूसरी दलील 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर है। ये एक्ट कहता है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाए जिस रूप में वो 15 अगस्त 1947 को थे। अगर ये सिद्ध भी होता है कि इतिहास में इसे तोड़ा गया तो भी वर्तमान स्वरूप बदला नहीं जा सकता। अयोध्या को इस एक्ट से बाहर रखा गया था। कोर्ट ने अभी सिर्फ मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है। अब सर्वे की रिपोर्ट के बाद कोर्ट जब सुनवाई करेगी तो मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील रख सकता है। ज्ञानवापी केस में दलील रखी गई थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेंडिंग है। सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया है। ओवैसी खुद बैरिस्टर हैं, संविधान कानून की बात करते हैं तो फिर उन्हें कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं है? दरअसल इसके पीछे है मुसलमानों वाली सियासत, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ वो नैरेटिव जो ओवैसी सेट करते रहे हैं। वो लोग तो यही चाहते हैं कि दोबारा मुल्क में विश्व हिंदू परिषद आरएसएस यही चाहती है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, कि दोबारा इस मुल्क में जो 1980s में और 90 में जो मुल्क में जो नफरत की फिजाएं उठी थी वही माहौल देखना चाहते हैं। और ये बड़ी हैरतअंगेज बात है कि बीजेपी सत्ता में है और देश के प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं।
कंट्रोल इसलिए नहीं कर रहे, या तो फिर वो उनकी नहीं सुनते या फिर प्रधानमंत्री खुद खामोश बैठे हैं कि चलो तुम लोग पुकारते रहो। मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के धर्म स्थल छीने जा रहे हैं। मोदी सरकार वीएचपी आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के पीछे ओवैसी का यही एजेंडा है। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे, तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो दो बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे, मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ अल्लाह से डरो, इन जालिमों से मत डरो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर मुल्क में ये तमाम हालात पैदा हो रहे हैं तो उसका मकसद क्या है कि भारत के मुसलमानों को डराया जाए, उनको खामोश कर दिया जाए और उनको मुसलमान सिर्फ उनकी घर तक रखा जाए। और ओवैसी ने कोर्ट के फैसले के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कहा कि उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है और हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष है। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी नैतिक मूल्यों की मौलिक सिद्धांत की राजनीति करती है। ओवैसी के बारे में देश ही नहीं दुनिया जानती है कि ओवैसी क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, इसलिए ओवैसी की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी कोर्ट पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। इससे पहले वो राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ज्ञानवापी के सर्वे के फैसले को लेकर भी कोर्ट पर सवाल खड़े कर चुके हैं। राम जन्मभूमि पर फैसला आए 3 साल गुजर गए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर तेजी से बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोगों ने फैसले को मान लिया, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी हैं कि अपनी हर सभा में बाबरी बाबरी करते हैं। मथुरा पर ओवैसी जो दलील दे रहे हैं ठीक वैसी ही दलील उन्होंने ज्ञानवापी मामले को लेकर भी दी थी, लेकिन जब कोर्ट ने सर्वे कराया तो ओवैसी ने वही डर वाला नैरेटिव अपनी सभाओं में आगे कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद क्या है? 1991 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो आप अक्टूबर 2021 में जाते हैं वही मुतालबा करते हैं। लोअर कोर्ट फैसला देता, मैंने कहा उस फैसले की मैं मुखालिफत करता हूं, तो ये लोग डराते हैं मुझको। आप कैसे कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कोर्ट के खिलाफ, इज्जत से इख्तलाफ कर सकते हैं। भारत है, कोई नॉर्थ कोरिया का सरबरा यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं है। दरअसल ओवैसी की राजनीति के सेंटर में मुसलमान ही हैं और यही उनका कोर वोट भी है, लेकिन ये मुस्लिम वोट भी बटा हुआ है। यही वजह है कि गुजरात चुनाव में ओवैसी का स्कोर रहा 0, यूपी चुनाव में ओवैसी का स्कोर रहा 0, पश्चिम बंगाल चुनाव में ओवैसी का स्कोर रहा 0। ओवैसी जिस मुस्लिम वोट के सहारे बड़ी सियासी ताकत बनने की कोशिश में है, वही मुसलमान वोटर चुनाव में उनकी तरफ नहीं आ रहा, लेकिन ओवैसी जानते हैं कि धर्म का नाम और मंदिर मस्जिद वाली सियासत उनके लिए मुफीद है। डर वाला ये टूल उनकी राजनीति को सूट करता है। राम मंदिर, ज्ञानवापी और मथुरा तीनों ही मामलों में कोर्ट के फैसले पर ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं तो वीएचपी पूछ रही है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कि सवाल उठाने वाले सच का सामना करने से डरते क्यों हैं? ऐसा ही आदेश वाराणसी में हुआ था, उसको इंतजामिया कमेटी ने चुनौती दी थी हाई कोर्ट में, चुनौती निरस्त हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में इंतजामिया कमेटी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया था, सर्वे हो गया। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर भी यह सर्वे अब संपन्न हो जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति को
सत्य का सामना करने की हिम्मत है और उसके पास छुपाने को कुछ नहीं है, वो सर्वे का विरोध नहीं कर सकता। 20 जनवरी वो तारीख है जब मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। सर्वे की इस रिपोर्ट से तय होगा कि मथुरा का ये विवाद कौन सा मोड़ लेगा। कृष्ण भक्तों को उम्मीद है कि सर्वे में मंदिर के वैसे ही सबूत मिल सकते हैं जैसे ज्ञानवापी में मिले थे। भले ही ये मामला कोर्ट में लंबा चले, लेकिन ओवैसी कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर सियासी गर्मी बनाए रखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।